ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां अफसरों के खिलाफ पुरानी शिकायतें बंद कर दी जाएंगी। हम आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग को दिए गए निर्देश, वही फैसले से अफसर लेंगे राहत भरी सांस। हम आपको बता दें, जहां अफसरों के खिलाफ पुरानी शिकायतें बंद हो जाएंगी, वही फैसले से असर लेंगे राहत भरी सांस। वही आपको हम बता दें, झूठी शिकायतों को बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां शिकायतकर्ता के सामने नहीं आने पर शिकायत रद्द कर दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां जीडीए ने की नए फॉर्मूले की शुरुआत, जहां अफसरों के खिलाफ पुरानी शिकायतें बंद हो जाएंगी। हम आपको बता रहे, बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां अफसरों के खिलाफ पुरानी शिकायतें बंद हो जाएगी। वही सामान्य प्रशासन विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं। हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फैसले से ही अफसर राहत भरी सांस ले पाएंगे। वही हम आपको बता दें, झूठी शिकायतों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि शिकायतकर्ता के सामने नहीं आने पर शिकायत रद्द कर दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जब शिकायतकर्ता नहीं आएगा तो शिकायत रद्द कर दी जाएगी। ये जीडीए ने नए फॉर्मूले की शुरुआत की है। ये बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां अफसरों के खिलाफ पुरानी शिकायतें रद्द कर दी जाएंगी। वही सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। वही हम आपको बता दें, फैसले से अफसर राहत भरी सांस ले पाएंगे। वही झूठी शिकायतों को बंद करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वही हम आपको दूसरी ओर बता दें, शिकायतकर्ता के सामने नहीं आने पर शिकायत रद्द कर दी जाएगी।